महाकाय सूर्यकोटि समप्लव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आ गया आज वो दिन जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आमने सामने। जी हाँ, एक तरह से आप इसे रात के अंधेरे के एवेंजर सीरीज कह सकते हैं। मगर एक निवेदन सबसे, जो लोग नए हैं और जिन्होंने त्रिलोकीनाथ सीरीज को नहीं सुना है वो लोग पुरानी स्टोरीज एक बार सुन लें, क्योंकि लिंक होने की वजह से हो सकता है आपको स्टोरी ठीक से समझ में ना आए। विशेषकर कंकाली तांत्रिक और जोकर, ये स्टोरी सुनना न भूले। इसके साथ साथ रात के अंधेरे के बाकी स्टोरीज भी सुनिएगा, क्योंकि अगर आप बाघानाथ से या फिर दूसरे तांत्रिकों से, जैसे नोनी तांत्रिक हो गए, तांत्रिक शिवशंकर हो गए, इन लोगों से अगर आप परिचित नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो। उसके अलावा सीओ प्रदीप और इंस्पेक्टर श्रीकांत, इन सभी के बारे में जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। हाँ, स्टोरी दो पार्ट में दे रहा हूँ यार, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी बड़ी हो जा रही है और मैंने देखा है आप लोग बड़ी स्टोरी पूरी नहीं सुनते हैं, तो इसीलिए दो पार्ट में दे रहा हूँ। मगर हाँ, दोनों पार्ट सुनिएगा, क्योंकि दोनों पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है और सारी ही कहानियाँ आपस में लिंक्ड है। और आज जो सेकेंड पार्ट आएगा वो तो आप लोगों को मज़ा ही दे देगा। तो सुनिए आमने सामने। जेठ महीने की एक शाम, दिन भर सूरज अग्नि बरसाकर अब शांत होने को चला जा रहा है। पक्षी अपने नीरों की तरफ उड़ते चले जा रहे हैं। चारों ओर सूरज की लालिमा छाई है। दिन भर के थके हारे मनुष्य अपने कर्म क्षेत्रों से धीरे धीरे घरों की ओर लौट रहे हैं। सारा वातावरण देखकर ऐसा लग रहा है जैसे विधाता अपना कोई मायाजाल रचकर चुपचाप बैठा हुआ इस खेल को देख रहा है। गांव के सुदूर मैदान की तरफ से एक व्यक्ति चलता हुआ एक विशेष दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। उसके कदमों की चाल बहुत धीमी है, गर्मी की वजह से ज़्यादा तेज चलने में असमर्थ है। चलते चलते अचानक वो एक घर के सामने रुकता है। माँ, बूढ़े भिक्षुक को कुछ दान मिलेगा क्या? आवाज सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है, उसके साथ एक छोटा लड़का है। साधु को देखकर बोलती है, ओ बाबा रुकिएगा, मैं भी लेकर आई। कहकर वो अन्न लेने घर के अंदर चली जाती है, जबकि वो लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। साधु उसकी ओर देखकर बोलता है, अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, लोगे? बालक स्थिर दृष्टि से साधु की तरफ देख रहा है। साधु उसकी तरफ एक गुड़िया बढ़ा देता है। लो, ये बहुत ही सुंदर गुड़िया तुम्हारे लिए है। बालक साधु के चेहरे की तरफ देखकर डरते डरते हाथ बढ़ाता है और गुड़िया लेकर घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। मगर तभी आश्चर्यजनक रूप से वो एक पत्थर के बुत की तरह वहीं जमकर रह जाता है और उसी क्षण साधु उसे अपनी गोद में उठा लेता है और आश्चर्यजनक तौर पर दोनों हवा में विलीन हो जाते हैं। औरत घर के अंदर से चावल लेकर साधु को देने के लिए जैसे ही बाहर आती है, चौंक उठती है। उसका लड़का और साधु दोनों गायब हैं। वो आसपास दौड़ती भागती उन्हें खोजने की कोशिश करती है, मगर जब उसे नहीं पाती है तो उसके मन में चिंता कुचिंता घर करने लगते हैं और वो रास्ते की तरफ दौड़ पड़ती है अपने बेटे को खोजते हुए। मगर कुछ दूर जाते ही उसके कानों में पड़ती है एक भयानक हंसी, एक ऐसी भयानक हंसी जो आसमान और जमीन सबको कपा देती है।
गर्मी की इस धूप में इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं, मगर धूप के तेज को देखकर लग रहा है जैसे दोपहर का समय है। भट्टाचार्य के मंदिर में इस वक्त अपेक्षाकृत वातावरण थोड़ा ठंडा है। चारों ओर पेड़ों से घिरे होने के कारण मंदिर में यह ठंडक है, और उसी मंदिर की चौखट पर बैठे हुए हैं तिलोकीनाथ, भट्टाचार्य और श्रीकांत इंस्पेक्टर। तीनों के चेहरे पर चिंता के निशान हैं। तिलोकीनाथ थोड़ा ज्यादा ही चिंतित है। अचानक वो बोल पड़े, देखो जहां तक बात है सोनापुर जाने की, तो चंडी कंकाल के साथ जब मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद से मैं सोनापुर गया ही नहीं हूं। हालांकि इसके बाद मैं कई जगह व्यस्त रहा और तंत्र साधना के कारण वहां दोबारा जाना हो ना सका, मगर अगर मैं वहां गया नहीं तो फिर ये सब काम मैं कैसे कर सकता हूं? ये मुझे भी मालूम है बाबा, मगर मैं किसी भी हद से ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप ऐसे घिनौने काम कर भी सकते हैं। मगर ये सारी घटनाओं के बीच में कई लोगों ने आपको वहां उपस्थित देखा है, और यही नहीं, इसके साथ साथ जो लाशें मिली हैं उनके पास ही आपका ही नाम लिखा हुआ था। इसी वजह से पुलिस का पूरा शक है कि ये सब काम आप कर रहे हैं, और इसी नाम से आपके लिए अरेस्ट वारंट निकला है। और वारंट देकर, चूँकि मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ, इसलिए मुझे भेजा गया है। और वो लड़का, क्या नाम है उसका, हाँ डमरू, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है, और पूछताछ के नाम पर उसको भी काफ़ी मारा पीटा जा रहा है। अरे ये कैसी बात कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, उस बेचारे का इसमें क्या दोष? तुम अभी फोन करो और उनसे कहो कि वो डमरू को छोड़ दें। तो एक काम करो, तुम उनसे कहो कि तुमने मुझे अरेस्ट कर लिया है, लेके आ रहे हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा, अभी अगर मैं उनसे कहूंगा तो वो तुरंत ही एक बड़ी पार्टी भेज देंगे आपको यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए, और फिर आपका मान सम्मान सब कुछ। आज लोगों में आपके नाम से तंत्र पर विश्वास जगा है, लोगों में वो विश्वास टूट जाएगा। मगर इस तरह से डमरू का गिरफ्तार होकर रहना और सजा पाना भी तो ठीक नहीं है। मेरी वजह से वो गरीब बच्चा फंसे, उसकी रक्षा करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तुम तुरंत ही अपने ऑफिसर को फोन करो और कहो कि तुमने मुझे पकड़ लिया है, मुझे लेकर आ रहे हो। और कोई रास्ता न देखकर इंस्पेक्टर श्रीकांत ने फोन किया, और उधर से सीओ प्रदीप के द्वारा आश्वस्त करने पर कि वे डमरू को छोड़ देंगे, उसने फोन काट दिया। इसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक तिलोकीनाथ भट्टाचार्य से बोले, मुझे जरा धूप लोभान लाके दोगे? चौंककर भट्टाचार्य उठे और मंदिर के अंदर से धूप लोभान लाकर उनके हाथों में दिया। धूप लोभान को हाथों में लेकर तिलोकीनाथ आंखें बंद करके मंत्र जाप करते रहे, मगर फिर उठकर मंदिर से बाहर खाली प्रांगण में चले गए। मंदिर के अंदर बैठकर मंत्र जाप करने में उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर मंत्र जाप करने के पश्चात उनके सामने प्रकट हुई तांडवी। इसके बाद उन्होंने उस धूप से एक गोला बनाया और तांडवी को उस गोले के बीचों बीच गाड़ दिया। तांडवी को जमीन में गाड़ते ही ऐसा लगा जैसे वहां एक छोटा सा भूकंप सा आ गया था, और जमीन में हुए छेद से 5 अलग अलग रंग की रोशनियां निकलकर पांचों दिशाओं में फैल गई। क्या हुआ ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ही इंस्पेक्टर श्रीकांत पूछ बैठे, ये क्या किया बाबा आपने? अपनी सेना को भेज दिया। देखो जैसे तुम्हारी पुलिस वाहिनी होती है और कोई घटना होने पर तुम एक दूसरे को खबर देते हो, वैसे ही हम तांत्रिकों की भी एक अदृश्य सेना है। इसी के जरिए मैंने सबको खबर भेज दी है कि मुसीबत आ रही है और किसी भी वक्त मुझ पर टूट पड़ सकती है। श्रीकांत ठीक से समझ न सके, मगर फिर भी उनके होंठों पर एक हल्की सी हंसी फैल गई, जैसे कुछ हद तक वो समझ गए हैं कि त्रिलोकीनाथ क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर श्रीकांत बोले, तो फिर चलिए थाने चलना होगा। मैं अभी नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आपने कहा कि आप थाने में जाकर समर्पण करेंगे, मैंने उन्हें खबर भी कर दी है। ये भी हो सकता है कि मेरी लोकेशन ट्रैक करके वो कोई बड़ा सा दलबल लेकर यहाँ पहुंच जाए और हमें पकड़ लें।
इसीलिए तो उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा। मगर जाएंगे कहाँ? तुम किसी तरह से मुझे सोनापुर पहुंचा दो। त्रिलोकीनाथ की बातें सुनकर लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बड़ी योजना बना ली है। मगर हाँ, मुझे किसी ऐसे रास्ते से लेकर चलो जहां पर पुलिस की नजर मुझ पर ना पड़े। मुझे आशा है तुम ऐसा कर सकोगे। कर तो सकूंगा, मगर ऐसा कोई गुप्त रास्ता नहीं है। थोड़ी मुश्किलों के साथ ही हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, किसी भी हाल में मुझे जल्द से जल्द सोनापुर पहुंचना होगा। वहां पहुंचकर ही मैं जान सकूंगा कि ये सब कौन कर रहा है और किस इच्छा से कर रहा है। इसके बाद वो भट्टाचार्य के घर से अपना सारा सामान समेटकर निकल पड़े। इंस्पेक्टर श्रीकांत जीप को जिस रास्ते से ले जा रहे थे वो अत्यंत उबड़ खाबड़ और पथरीला था। हालांकि इस रास्ते में खास बात ये थी कि कहीं पे भी पुलिस का कोई भी चौकी नहीं थी। इस वजह से थोड़ा ज़्यादा समय और असुविधा होने के पश्चात भी करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद वो सोनापुर गांव पहुंच गए। अचानक ही इंस्पेक्टर श्रीकांत बोल पड़े, हम लोग सोनापुर तो आ गए हैं, अब आपको कहाँ जाना है? गांव के बाहर तरफ एक जंगल है, अगर तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे उस जंगल में ही सारा काम करना है। श्रीकांत जीप को जंगल के पास ले गए। जंगल बहुत ही गहरा था, वहां बाहर खड़े होकर अंदर तक नहीं दिख सकता था। जीप से उतरने के बाद श्रीकांत बोले, मगर मैं थाने जाकर उन लोगों को क्या कहूंगा? मगर अगले ही पल वो चौंक उठे। अचानक उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया। वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए। वो घबरा कर बोल पड़े, ये क्या, मेरे नाक से अचानक खून बहना कैसे शुरू हो गया? त्रिलोकीनाथ अपने चेहरे पर हल्की हंसी लाकर बोले, अब तुम थाने जाकर बोलना त्रिलोकीनाथ मुझे मारकर भाग गया है। सुनकर श्रीकांत के दिमाग में सारी बातें साफ हो गई। अब इंस्पेक्टर श्रीकांत के दिमाग में सारी बातें साफ थी। अचानक उन्होंने देखा त्रिलोकीनाथ सामने के घने जंगल में धीरे धीरे विलीन हो गए और इसके साथ ही इंस्पेक्टर श्रीकांत चल पड़े सोनापुर थाने की तरफ। थाने के बाहर जीप से उतरते और थाने में प्रवेश करते देख सीओ प्रदीप बाबू बाहर निकल आए और बोले, अरे कहाँ है त्रिलोकीनाथ, तुमने तो कहा था उसे पकड़ कर ला रहे हो। मगर श्रीकांत कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे, नाक से बहता खून था। फिर वो बोल पड़ा, मैंने उन्हें पकड़ा था मगर वो मुझे मारकर भाग गए। क्या? ये बात सुनते ही जैसे सीओ के पूरा खून जल उठा। क्या, एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकते हो, और भाग गया तो मतलब क्या? ये सोनापुर में आते ही साथ वो भागे हैं। मतलब वो इसी गांव के आसपास ही होगा। ठीक है, पूरे शहर में नाकेबंदी कर दो, एक एक घर की तलाशी लो, वो यहां से भाग कर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ घने जंगल में पहुंचकर त्रिलोकीनाथ ठीक उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने पंचमुंडी आसन की स्थापना की थी। इसी आसन पर बैठकर उन्होंने शक्ति लाभ किया था और उसके बाद चंडी कंकाल के साथ युद्ध कर उसे पराजित किया था। उस जगह पहुंचते ही अचानक उनके दिमाग में एक बात कौन गई। इसके बाद वो पंचमुंडी आसन के ऊपर जाकर एक टांग पर खड़े हो गए और आकाश की तरफ दोनों हाथ फैलाकर मंत्र जाप करने लगे। कुछ देर तक मंत्र जाप करने के पश्चात वे आसन से उतर गए और तांडवी को उस आसन के ठीक बीचों बीच गाड़ दिया। उसे गाड़ते ही जैसे तेज बिजली की चमक चमकी और फिर पूरे जंगल में चारों ओर फैल गई। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सुप्त पंचमुंडी आसन को जागृत कर दिया और जंगल को चारों ओर से बांध दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकीनाथ ने जंगल को बांध दिया था। इसका मतलब ये था कि त्रिलोकीनाथ की इच्छा के विरुद्ध अब उस जंगल में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता और अगर कोई जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश भी करेगा तो बिजली का झटका खाकर दूर छिटक जा गिरेगा। दूसरी तरफ अचानक थाने का फोन घनघना उठा। सीओ प्रदीप ने जैसे ही कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से आवाज आई, सर यहाँ पर एक और बच्चे की ठीक वैसी हालत में लाश मिली है। अब आप लोगों ने त्रिलोकीनाथ को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया? सर इसी तरह से अगर घटनाएं घटती रही तो हमारे ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आएगा। फोन काट के सीओ प्रदीप अपनी जगह बैठ गए और बड़बड़ा उठे। ऑफ, त्रिलोकीनाथ ने फिर एक घटना घटा दी, अब इसे किसी भी तरह से रोकना ही होगा। डेस्क से थोड़ी दूर बैठे श्रीकांत के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसने कहा, सर ये भी तो हो सकता है कि ये घटना त्रिलोकीनाथ ने नहीं की हो। क्या बात कर रहे हो श्रीकांत, आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं वहां पर
सबने त्रिलोकीनाथ को देखा है और लोगों के बताए अनुसार हमने स्केच तो बनवाया था, वो तो बिल्कुल त्रिलोकीनाथ से मिल गया है। इसके अलावा कई लाशों के पास तो उसने अपना नाम भी लिख रखा था। और दूसरी बात, अगर उसने कुछ किया नहीं है तो इस तरह से तुम्हें मारकर भाग क्यों गया? अगर वो दोषी नहीं था तो वो तुम्हें मारकर क्यों भागा? और भागते ही साथ अगली घटना हुई। अब तुम ही बताओ, तुम किसे दोषी कहोगे? हमें अब जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना होगा। तुमने शहर भर में नाकाबंदी की व्यवस्था की कि नहीं? कड़ी नाकाबंदी करो, कड़ी तलाशी लो, कहीं भी छुपा हुआ उसे गर्दन से पकड़कर सामने लाना है और पूछना है वो ऐसी घटनाएं कर क्यों रहा है। सर, एक बार राघव से पूछने से भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, राघव तो अभी भी जेल में है और मुझे नहीं लगता है कि ये उसके आदमियों का काम है। वो अब ये सब काम छोड़ चुका है। इसके बाद श्रीकांत पुलिस पार्टी लेकर सारे शहर की नाकाबंदी और घरों में तलाशी के लिए निकल गया, जबकि दूसरी तरफ दो चार कांस्टेबल वगैरह को साथ लेकर प्रदीप बाबू उस स्पॉट की तरफ निकल पड़े जहां पर उस बच्चे की लाश मिली थी। दूसरी तरफ जंगल में त्रिलोकीनाथ इस वक्त अपने पंजमुंडी आसन पर बैठकर ध्यान में लीन है। उन्होंने तांडवी को अपने पास ही गाड़ रखा है और उसके फलस्वरूप उनके चारों ओर एक नीली आभा निर्मित है। मंत्र जाप करते हुए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर ये सब घटनाएं कौन उनका छद्म रूप लेकर कर रहा है। तभी उनके कानों में दूर से एक बांसुरी की आवाज़ पड़ती है, मगर बार बार कोशिश करने के पश्चात भी उन्हें ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है। अभी तो दूर से बांसुरी का वो स्वर कानों में चला आ रहा है। त्रिलोकीनाथ को ऐसा लग रहा है कि वो इस बांसुरी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। बार बार ध्यान लगाने पर भी सिर्फ बांसुरी का स्वर ही उनके कानों में पड़ रहा है और जिसकी वजह से बार बार उनका ध्यान टूटता जा रहा है। दूसरी तरफ गांव में पूरी तरह से पुलिस का पहरा बैठ चुका है। रास्ते पर आने वाले हर एक ट्रक, कार, सब जगह कड़ी तलाशी ली जा रही है। हालांकि इंस्पेक्टर श्रीकांत को पता है कि इस वक्त त्रिलोकीनाथ कहाँ है, मगर वो इस तरह का भान कर रहे हैं जैसे वो नहीं जानते और जानबूझकर जंगल की तरफ एक बार भी जाने की बात नहीं उठा रहे हैं। इस तरह से एक घंटे की तलाशी के बाद थक हार कर श्रीकांत और उनके साथ का एक इंस्पेक्टर पास ही की एक चाय की गुमटी में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक 19-20 साल का एक लड़का रोते हुए उनके पास आया। सब सब आप लोग प्लीज ना, सब सब थोड़ा उधर चलिए ना, उधर वो झाड़ी के पीछे देखिए ना, एक आदमी मेरे पाले हुए बकरे को किस तरह से कच्चा खा रहा है। क्या कह रहे हो तुम? अचानक श्रीकांत चौकुटे, आइए ना बाबू एक बार देखिए तो। आप ठीक है, चलो इधर इधर आइए। उस गुमटी से थोड़ी दूर जाने पर ही कुछ झाड़ियों के पीछे से होता हुआ एक खाली स्थान था और वहां पर पहुंचकर श्रीकांत की आंखें जैसे फट पड़ी। उनका दिमाग घूमने लगा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था सामने वो जो कुछ देख रहे हैं वो सच है या कोई भयानक सपना। उनसे करीब 5 की दूरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके मुंह पर है एक जिंदा बकरे की मुंडी और उसमें से कच्चा मांस निकाल निकाल कर वो चबा कर खा रहा है, और ये कोई और नहीं स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं जो इस वक्त उसके सामने स्पष्ट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीकांत और उनका साथी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना है। अभी कुछ सोचने में समर्थ हो पाते इससे पहले ही अचानक श्रीकांत ने महसूस किया जैसे उनके कदम खुद ब खुद चले जा रहे हैं त्रिलोकीनाथ की तरफ। मगर एक और आश्चर्य उनके सामने प्रकट हुआ। उन्होंने देखा वो जितने त्रिलोकीनाथ के करीब पहुंच रहे हैं, त्रिलोकीनाथ जैसे उनसे और दूर चले जा रहे हैं। बार बार प्रयास करके भी वो इस दूरी को खत्म करने में समर्थ नहीं है। जैसे जैसे हवा में उनके पैर बस चले जा रहे हैं मगर रास्ता तय नहीं हो पा रहा। पिछले 10 से दौड़ते रहने के बाद भी वो त्रिलोकीनाथ तक नहीं पहुंच पाए। श्रीकांत को समझ में आ गया कि इस वक्त चारों ओर एक माया जाल बना हुआ है और वो लड़का जो उन्हें लेकर आया था वो भी इस वक्त वहां से गायब हो चुका है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर आश्चर्य की बात थी कि यह घटना उन दोनों ने देखी थी, इसलिए सिर्फ श्रीकांत के दिमाग का भ्रम होना यह संभव नहीं था। कुछ देर तक जब प्रयास करके कुछ भी नहीं समझ में आया तब दोनों दौड़कर वापस उसी चाय के ठेले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही श्रीकांत ने तुरंत सीओ प्रदीप को फोन लगाया। फोन पर सारी बातें सुनकर उनका दिमाग भी घूम गया, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत ही श्रीकांत से कहा कि वो वहां पहुंच जाए जहां पर वो इस वक्त हैं, और उनकी बात मानकर श्रीकांत अपने साथी के साथ उस एक्सीडेंट स्थल पर पहुंच गया। दूसरी तरफ त्रिलोकीनाथ का ध्यान किसी भी तरह से लग नहीं पा रहा था। अंततः
वे आसन से उठ गए और अपना सामान और तांडवी उठाकर एक विशेष दिशा की ओर चल पड़े। उनके चलने से ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और चलते चलते अचानक ही वो जंगल से बाहर आ गए और इसके बाद वो चल पड़े सोनापुर शमशान की तरफ। दूसरी तरफ धीरे धीरे संध्या उतर आई थी। आसमान में अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। सोनापुर शमशान के अंदर पहुंचकर एक खास पीपल पेड़ की तरफ चल पड़े थे त्रिलोकीनाथ, मगर अचानक ही एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने प्रकट हो रहा था। त्रिलोकीनाथ का पूरा शरीर इस वक्त नीली आभा से भर गया था, यहां तक कि उनके सर पे लगा हुआ तिलक भी अब नीली आभा से चमचमा रहा था। समझ में आ रहा था कि इस वक्त त्रिलोकीनाथ एक महाशक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं, मगर इसका कारण क्या है ये समझने में अभी कोई भी समर्थ नहीं था, क्योंकि जब तक कोई बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आती है तब तक त्रिलोकीनाथ अपने आप को महाशक्ति में परिवर्तित नहीं करते हैं। तभी अचानक उनके कान में पड़ी फिर से वही बांसुरी की आवाज। त्रिलोकीनाथ चल पड़े एक खास पेड़ की तरफ। पीपल का यह बड़ा सा पेड़ था जिसकी एक डंगाल पर कोई बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी के स्वर में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि जो भी उसे सुनता वह स्वयमेव आकर्षित होकर उस बांसुरी वादक की तरफ खुद ब खुद खींचा चला जाता, जैसा कि इस वक्त त्रिलोकीनाथ के साथ हो रहा था। पेड़ के करीब पहुंचकर अचानक वो बोल पड़े, कौन है, कौन है वहां पर, कौन है? अगर अच्छा चाहते हो तो चुपचाप नीचे उतर आओ। कौन हो तुम, चाहते क्या हो तुम, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? त्रिलोकीनाथ की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जीवन में पहली बार वो भयभीत हुए हैं और उनकी बातों में उद्विग्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। त्रिलोकीनाथ के शब्द सुनकर उस व्यक्ति ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अगले ही पल वो पेड़ की उस डाल से कूद कर नीचे आ गया और धीरे धीरे त्रिलोकीनाथ की तरफ बढ़ने लगा। आसमान में इस वक्त चांद उग चुका था और उसकी रोशनी जैसे ही जैसे उस व्यक्ति के चेहरे को आलोकित करने लगी, त्रिलोकीनाथ की आंखें जैसे फटकर बाहर निकल आने को उत्तेजित होने लगी, क्योंकि जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा था वो और कोई नहीं, वो स्वयं थे। चेहरा, कद, काठी, सब कुछ उनके जैसा, एक चिंदी भर का भी कोई अंतर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिलोकीनाथ के सामने एक आईना रख दिया हो और उसमें उनका अक्स उन्हें खुद दिखाई दे रहा हो। त्रिलोकीनाथ का पूरा शरीर जैसे कांप उठा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ी और बोल पड़ा, नमस्कार, आप मेरा परिचय जानना चाहते थे ना? परिचय जानकर कहीं चक्कर खाकर गिर तो ना पड़ेंगे? मैं हूं तांत्रिक त्रिलोकीनाथ, महातांत्रिक त्रिलोकीनाथ।